आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएमआई के बारे में। बीएमआई क्या है, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, एक इंसान में नॉर्मल बीएमआई कितना होना चाहिए, बीएमआई ज्यादा होने पर कौन सी बीमारी होती है, बीएमआई कम होने पर कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड। तो बीएमआई का जो फुल फॉर्म है, बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मल बीएमआई एक इंसान में कितना होना चाहिए, 18.5 to 24.9। तो अब ये बीएमआई होता क्या है, बीएमआई एक मेजरमेंट होता है जब किसी भी इंसान का हाइट और वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड। बीएमआई एक मेजरमेंट है, किसी भी इंसान में उसका हाइट और वेट के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड। BMI के नॉर्मल क्या है, 18.5 to 24.9। आप जानते हैं BMI कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किसी भी एक इंसान के लिए इंसान का BMI कैसे निकाला जाएगा फ्रेंड। तो BMI निकालने के लिए दो चीज जरूरी है, पहला जो चीज जरूरी है वो इंसान का वेट जरूर है, और क्या जरूरी है, हाइट जरूर है, कितना हाइट है फिर। तो जानते हैं कैसे निकाला जाता है, कैसे BMI कैलकुलेट किया जाता है। BMI इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट। हाइट किसमें रहेगा, मीटर में रहेगा, उसका होल स्क्वायर होगा फ्रेंड। जैसे कि एक एग्जाम के तौर पे मैंने एक हाइट और वेट लिया है, यहाँ पर मैंने वेट लिया है 65 kg। वेट कितने में होगा, केजी में होगा। मैंने एग्जाम पे तो 65 kg लिया है फ्रेंड, और मेरा हाइट कितना है 1.67 मीटर। 1.67 मीटर में होगा उसका होल स्क्वायर होगा 1.67 मीटर। अगर मैंने इसको फुट में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, 5 foot 5 inch। अगर फुट में कन्वर्ट करूं तो मैंने कितना लिया है, वेट लिया 65 kg, और हाइट कितना है 1.67 मीटर। अगर उसको होल स्क्वायर कर दो, 1.67 into 1.67 = 2.78। तो अब क्या करना होगा, वेट कितना है 65 kg, ये 65 वेट को क्या करना होगा, हाइट के जो होल स्क्वायर मिला है मुझे कितना मीटर में आया था 1.67, उसका होल स्क्वायर कितना हुआ है 2.78, इसको क्या डिवाइडेड करना होगा। अगर 65 को 2.78 करके डिवाइड कर तो कितना, जी यहाँ पर कैलकुलेट करके BMI कितना मिला, 23.38 मीटर, जो एक नॉर्मल BMI है फ्रेंड। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इंसान का BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड। बात करें इसका डिजीज के बारे में, तो इसमें इस BMI को हम 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। जैसे कि पहले भाग है अंडरवेट। अंडरवेट कब होता है, जब किसी इंसान का BMI कम मिलता है, और कितना नॉर्मल BMI कितना है 18.5 to 24.9 से नीचे होने पर। तो इसका क्या, 18.5 के अगर नीचे BMI मिलता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, तो अंडरवेट की कैटेगरी में ये आता है फ्रेंड। अंडरवेट कैटेगरी में आके कौन सी बीमारी या कौन सी प्रॉब्लम उसको होगा, पहला जो उसका प्रॉब्लम होगा डाइजेस्टेशन, उसका डाइजेस्टिव में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, खाने की चीज में कोई हजम की प्रॉब्लम आ सकता है। फिर सेकंड क्या प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत हो सकता है। थर्ड जो प्रॉब्लम आएगा वो वीकनेस होगा, वीकनेस का भी प्रॉब्लम उसको आ सकता है फ्रेंड। सेकंड नॉर्मल अगर BMI है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसका इम्यूनिटी ज्यादा होगा, उसे हेल्थी रहेगा फ्रेंड, उसको ज्यादा एनर्जी भी मिलेगा। अगर कोई इंसान का BMI नॉर्मल होता है तो उसको एनर्जी भी ज्यादा मिलता है। सेकंड थर्ड जो प्रॉब्लम आएगा वो ओवरहाइट होगा। ओवरहाइट कितने में आएगा, अगर किसी का BMI 25 to 29.5 में मिलता है, अगर किसी का BMI 25 to 29.5 में मिलता है, तो उसका BMI क्या, कौन सी कैटेगरी में आएगा, ओवरवेट की कैटेगरी में आएगा। ओवरवेट कैटेगरी में कौन सी प्रॉब्लम आता है फ्रेंड, इसका जो पहला प्रॉब्लम आता है डायबिटीज का प्रॉब्लम। अगर किसी भी पेशेंट ओवरवेट के ओवरवेट में है, या उसका BMI 25 to 29.5 के बीच में है, तो उसको ओवरवेट के कैटेगरी में आएगा। उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगा, डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी का प्रॉब्लम होगा, उसके साथ साथ डिप्रेशन का ऑपरेशन शिकार हो सकता है फ्रेंड। फोर्थ कौन सी प्रॉब्लम, ओबेस। ओबेस कौन सी कैटेगरी में आता है, जब किसी के BMI 30 to 34.9 में आएगा, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ओबेस की कैटेगरी में। ओबेस की कैटेगरी में आने कौन सी बीमारी, कौन सी प्रॉब्लम आएगा, पहला जो उसका प्रॉब्लम आएगा हाइपरटेंशन, हाई बीपी का प्रॉब्लम आ सकता है। सेकंड कौन सा प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का उसका प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड कौन सा, हार्ट का प्रॉब्लम, किसी भी इंसान का अगर ओबेस की कैटेगरी में आता है, BMI 30 to 34.9 के बीच में आता है, तो उसका हार्ट का भी प्रॉब्लम आ सकता है, लंग्स का भी प्रॉब्लम आ सकता है फ्रेंड। फिफ्थ कौन सी कैटेगरी है, हाई ओबेस। हाई ओबेस कब कब बोला जाएगा, जब किसी के इंसान का BMI
35 से ऊपर होगा, 35 से ऊपर अगर बीएमआई किसी पेशेंट का किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाई ओबेस। हाई ओबेस कौन सी कैटेगरी में आएगा, अब उसके साथ साथ कौन सी प्रॉब्लम आएगा, हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, लंग्स का प्रॉब्लम आएगा, उसके साथ साथ हाई बीपी होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या वो पेशेंट को डेंजर लेवल भी बोला जा सकता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये था बीएमआई के बारे में एक डिटेल्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।